गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि सुमत कुमत सबके उर रहे ही। गोस्वामी तुलसीदास ने ये प्रमाणित किया, और उससे पहले भी महर्षि वाल्मीकि जी ने भी रामायण में और हमारे उपनिषदों में ये सिद्धांत निहित है, लिखा हुआ है कि सृष्टि में कोई शरीरधारी जिसको बुद्धि है, चाहे वो ब्रह्म रूप ही है, उसके अंदर ही ये कुमत सुमत दोनों विराजमान रहते हैं। कुमत सुमत का अर्थ आप समझ गए, और बहुत अर्थ समझ में न आया हो तो अच्छाई बुराई, कुसंग सत्संग सबके साथ जुड़ा हुआ है। कुमति और सुमति ये दोनों बहनें हैं, इनकी भी कथा पुराणों में है। ब्रह्मा जी की पुत्री कुमति और सुमति दोनों जो है ब्रह्मा जी के पास गई, और कुमति ने जाकर शिकायत की, कहा पिताश्री सारी दुनिया जो है ये हमारी जो बहन है इसको सब चाहते हैं, मुझे कोई नहीं चाहता। कुमति ने जब ये दुख जताया तो पिता ने कहा नहीं नहीं दुनिया का नहीं पता, पर अगर मुझे पूछ रही हो पिता के रूप में तो मुझे तुम दोनों अच्छी लगती हो। कुमति ने कहा कि जमाने को हम अच्छी नहीं लगती, एक तो आपको पिताश्री मैं कैसे अच्छी लगती हूं। तो ब्रह्मा जी ने एक प्रयोग किया, दोनों बहनों से कहा कि पहले तू थोड़ा चल 100 कदम और फिर लौट कर आना, फिर दूसरी से कहा तू भी चल, तू भी लौट के आना। दोनों बहनें थोड़ी चली 100 कदम और फिर लौट के आई। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे तुम दोनों अच्छी लगी। तो कुमति ने पूछा कि मैं कैसे अच्छी लगी आपको, तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम मुझे मेरे पास से जाती हुई अच्छी लगी और सुमति मुझे मेरे पास आती हुई अच्छी लगी, इसलिए मुझे तो तुम दोनों ही अच्छी लगी। ब्रह्मा जी ये बताना चाहते हैं कि कुमति जाती ही अच्छी है और सुमति आती अच्छी है, और ये सबके पास है, हर घर में, हर गांव में, हर शरीर में। देखिए लंका में कुंभकर्ण को सोने वाला माना गया है, आपकी नजर में भी वही है, आप भी वही जानते हैं कि कुंभकर्ण जो है बहुत सोता है, 6-6 महीने सोता है। तो यहां पर गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि अगर कुंभकर्ण सोता है लंका में तो विभीषण नहीं सोते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, विभीषण भी सोते हैं। विभीषण और कुंभकर्ण दोनों भ्राता हैं, दोनों एक ही गांव में घर में रहते हैं और दोनों सोते हैं, पर सोने के मामले में कुंभकर्ण का आपको पता है, विभीषण का नहीं पता है। पर आप सब जानते हैं क्योंकि आज आप सोते हैं, साधु महात्मा भी सोते हैं, तो विभीषण भी सोते हैं। पर विभीषण को जगाने के लिए कौन और कुंभकर्ण को जगाने के लिए कौन? कुंभकर्ण को जगाने के लिए कुमति,
कुसंग रूपी रावण जाता है और विभीषण को जगाने के लिए सुमति रूपी सत्संग रूपी हनुमान जाते हैं। इतना फर्क है सुमति और कुमति में। जो मति सुमति है उसे सत्संग जगाता है, संत जगाते हैं, और जो मति कुमति है उसे रावण दुर्जन जगाते हैं। आपके जीवन में भी ये घटना घटती रहती होगी। अगर कोई दुष्ट आदमी, दुराचारी आदमी, चुगलखोर, गंदा सोचने वाला आपको जगा रहा है, बिना बुलाए स्वयं चल के आया और जगा रहा है, तो कुंभकर्ण को रावण ने क्यों जगाया? क्योंकि इस समय रावण की स्वयं की आवश्यकता। तो दुर्जन व्यक्ति बिना बुलाए आए और बिना बुलाए अपने को जगाए, जगाए मतलब सचेत करे, अरे सुनो 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 सुनो, सो रहे हो, जगो 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 जगो, देखो 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 देखो, ये हो गया वो हो गया, ये कुंभकर्ण रावण का वृतांत है। और विभीषण जी का वृतांत क्या है? ब्रह्मम नवरतो मृतम दुहितो सर्वयोक्तानाम। संत कह रहे हैं कि विभीषण को हनुमान जी ने जगाया, तो उस समय काल था सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, और कुंभकर्ण को रावण ने जगाया वो काल था शाम को रात के 12। 4 बजे, 4 बजे निद्रा पूरी हो जाती है और 12 बजे निद्रा की फुल जवानी होती है, प्रारंभिक निद्रा। यानी कि दुर्जन जब भी जगाएगा आपके सुख में भंग डालेगा, और सज्जन सत्संग जब जगाएगा तब आपके सुख में वृद्धि करेगा, उसे खत्म नहीं करेगा। अच्छा बोलो, 12 बजे अचानक कोई घटना घट जाए, हम जग जाएं, तो फिर रात में दोबारा नींद आना कठिन हो जाता है। कुमति सुमति सबकी उर रही। बड़े बड़े महात्मा संत योगी जन, उनके अंदर भी कुमति सुमति रहती है। उनके पास में सत्संग है, ज्ञान है, विवेक है, तो कुमति उनके पास में भटकती नहीं है, काम नहीं करती है, पर रहती है। और एक और गजब बात गोस्वामी जी कहते हैं कि जहां कुमति है, जहां सुमति है, वहीं राम भी है, भगवान भी वहीं रहता है। ये और ध्यान रखो, कुमति सुमति के संग भगवान है। अब कैसे समझें? समझो, जिस अयोध्या के महल में भरत रहते हैं, संत रहते हैं भरत, और उसी महल में मंथरा रहती है और उसी में राम। मंथरा भी वही है, भरत भी वही है और राम भी वही है। तो गोस्वामी तुलसीदास ने बताया कि जो हृदय रूपी अयोध्या है उसमें मंथरा रूपी कुविचार रहते हैं और भरत जैसे सत्य विचार रहते हैं, और राम भी वहीं रहते हैं और वहीं रहकर राम काम करते हैं। जैसे दूध को फटने की प्रक्रिया और दूध को नहीं फटने की प्रक्रिया दूध में ही मौजूद है, दोनों प्रक्रिया हमें ज्ञात नहीं होती, समझ नहीं आता। आप में से कोई भी ऐसा विद्वान नहीं है कि जब कच्चा दूध भगोनी में चढ़ाए और उससे पहले बता दे कि दूध फटेगा, कोई नहीं बता सकता है। आपको यह पता है कि कढ़ाई में साबुन वगैरह लगा है, कढ़ाई में कुछ खट्टा पट्टा लगा है, तो आप फिर कह सकते हैं कि आज तो दूध फटेगा, क्योंकि आपको मालूम है पहले से दूध फाड़ने वाला केमिकल कढ़ाई में मौजूद है। अगर पात्र शुद्ध है, पवित्र है, तो फिर आप निश्चित नहीं कर सकते कि कब
कुमती आएगी दूध में और कब सुमती रहेगी। इसीलिए बुद्धि का कोई स्तर नहीं होता है। बुद्धि माहौल देख करके निर्णय करती है। बुद्धि माहौल के साथ में अपने आप को प्रेरित करती है, प्रेषित करती है, प्रस्तुत करती है। आप देखिए, चोर जब बलवान होता है, देखो बुद्धि का कमाल, चोर जब बलवान होता है, जब उसे लगता है कि मैं इस समय बलवान हूं, मेरे हाथ में राइफल है और सामने वाले डर चुके हैं, तो चोर अकेला ही चार पांच लोगों से सारा सामान छिना लेता है। अच्छा, चोर को जब ये लगता है कि ये तीन चार लोग ने मुझे पकड़ लिया और ये मेरी जान ले लेंगे, तो चोर की बुद्धि एकदम बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? फिर वो कहता है, मैं तुम्हारे पैर छूता हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, और मुझसे गलती हो गई, अब कभी नहीं करूँगा, एक बार मुझे माफ़ी दे दो। ये वही चोर है जो थोड़ी देर पहले कह रहा था, जान से मार दूंगा, निकालो निकालो। इतनी जल्दी बुद्धि परिवर्तन करती है माहौल देख करके। इसीलिए जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई महान आदमी महान ही रहेगा, वो कभी कुछ गलत नहीं करेगा, यह भी असंभव है। और कोई गलत व्यक्ति गलत रहेगा, वो सज्जन नहीं बनेगा, ये भी असंभव। गलत व्यक्ति सज्जन हो सकता है, सज्जन व्यक्ति दुर्जन हो सकता है। परिस्थिति, समय का, माहौल का चक्कर जब चलता है तो बुद्धि खुद अपने आप में नहीं रहती है, वो माहौल के साथ में काम करती है, माहौल के साथ बदलती है। वो अपना काम छोड़ देती है। और बुद्धि का सही स्वभाव यही है, उसी स्वभाव में बुद्धि हमेशा रत रहती है, और उसी की वजह से कभी कोई आपका विश्वास करता है और कभी कोई विश्वास नहीं करता है। आप वही हैं, आप तो वही हैं, मैं भी वही हूं, पर मेरा कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते, और जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, मैंने उनका भी कुछ नहीं बिगाड़ा है। आपका कोई लोग विश्वास नहीं करते हैं, आपने भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है, पर कुमति सुमति सबके उर रहे ही, सबके पास में कुमति सुमति है, सबके पास अच्छा बुरा विचार है, सबके पास में अच्छाई बुराई है। तो आवश्यक नहीं है कि हमें सब पसंद करें, आवश्यक नहीं है कि हम हमेशा अच्छा काम करें। जो भी सृष्टि पर आया उसे अच्छाई और बुराई से ही परिचित किया गया संसार में। बुराई निकालने वाले बुराई निकालते रहते हैं, अच्छाई निकालने वाले अच्छाई निकालते रहते हैं। हर वस्तु का यही धर्म है। कोई आदमी बैंगन खा ले तो सब शरीर में खुजली हो जाती है, और किसी को बिना बैंगन के अच्छा नहीं लगता है। कोई आदमी ग्वार की फली खा ले तो पित्त उखड़ाता है, कब्जी हो जाती है, पेट फूल जाता है, और किसी आदमी को ग्वार की फली बहुत सुंदर भाती है। कई आदमी दूध को पीते ही अफरा हो जाता है, कई आदमी को दूध के बगैर नींद नहीं आती है। तो जैसे तुलसीदास कहते हैं कि सुमति कुमति सबके उर रहे, ऐसे ही संपूर्ण जड़ पदार्थों में भी दोनों चीज रहती है, गुण अवगुण। जिस पानी को पी के हमारी प्यास बुझती है, जो अमृत है हमारा जीवन देने वाला है, कभी कभी वही पानी ऐसा ठसका देता है कि हार्ट अटैक भी आ जाता है। कभी कभी पानी से ठसका लग जाता है, और पानी के ठसका इतना खतरनाक होता है, प्राण बचाने वाला प्राण हर लेता है कभी कभी। क्यों? यही सत्य है, जो जीवन दाता है वही जीवन लेने वाला है। कल की कथा में आपने सुना था, बार बार ये कहा जा रहा था कि तुम मार सकते हो तो मार दो, पर जिंदा कर सकते हो तो मारो। कौन कह रहा था? गजराज की पत्नी हथनी कह रही थी भगवान श्री हरि से।
तो हरि तो वैसे ही थे, उन्होंने तो लीला कर दी, जिंदा कर दिया उसके पति को, क्योंकि मारने वाला बचाने वाला था, तो दोनों काम हो गए। तो क्या फिर आप ये कर सकते हो? अगर आपसे कोई कहे कि तुम अच्छे नहीं हो, बुरे हो, तुम अच्छे हो जाओ, तो क्या अच्छे हो सकते हो? हो सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि आपके पास में अच्छा होने का भी गुण है, सुमति भी आपके पास है। केवल कुमति हमारे पास नहीं है, सुमति कुमति दोनों, ये दोनों ही विचार हैं, दोनों मति हैं, दोनों बुद्धि हैं, और इन दोनों के बीच में राम रहते हैं, भगवान रहते हैं। और सुनिए, राम जब इन दोनों के बीच में से निकल जाते हैं बन के लिए, तो कुमति अलग हो जाती है और सुमति राम के पास पहुंच जाती है। भरत कहां पहुंच गए थे? चित्र कूट के घाट पर राम के पास में भरत पहुंच गए थे। सब लोग गए थे भरत को लेने के लिए, पर मंथरा नहीं गई थी, उनको ले जाया नहीं गया था, क्योंकि यही उसका फल है कुमति का। राम जब तक हमारे संग है तब तक कुमति भी है, पर राम जब हमारा संग छोड़ देते हैं तो कुमति भी हमारा संग छोड़ देती है। अर्थात आनंद और सुख हमारे साथ जब तक है तब तक दुख भी और क्लेश भी रहेंगे। आनंद हमें छोड़ के चले जाएं तो फिर हमारे पास में कुछ नहीं बचेगा। कुमति है वो अकेली पड़ जाती है, फिर उसके पास कुछ नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा था कि मुझे तो दोनों प्यारी लगती हो, तो मेरे राम को दोनों प्यारी लगती हैं, कुमति भी और सुमति भी। कुमति क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि कुमति ने राम जी के पिछले जन्मों के वरदानों को सत्य करने के लिए सही काम किया, राम का सपोर्ट किया। भले ही मंत्रा बदनाम हुई पर राम जी का सपोर्ट किया। अगर मंत्रा ये नहीं करती तो राम जी के जो वचन थे वो सब झूठे पड़ जाते। राम वनवास नहीं जाते, सीता का हरण नहीं होता, केवट का कल्याण नहीं होता, अगस्त मुनि आदि सुतिक्षण आदि का कल्याण नहीं होता, और रावण कुंभकर्ण का भी अंत नहीं होता। और इनका अंत नहीं होता तो भगवान विष्णु के पार्षद जय और विजय को दिया हुआ वचन झूठा पड़ जाता। तो भगवान ने मंत्रा को भी अपना सहयोगी माना। क्यों सहयोगी माना? कल की कथा में चंद्रयान की कथा सुनाई थी, तो हमने कहा ना 14 दिन अंधेरा हो गया, रात हो गई, दिन चला गया। पर 14 दिन दिन चला गया इसका मतलब दिन दुनिया में है नहीं, ऐसा थोड़ी है। दुनिया में तो है, पर चंद्रमा पर 14 दिन की रात, 14 दिन का दिन होता है, और वही 14 दिन चंद्रमा के हमारी धरती पर तिथि के रूप में गिने जाते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। चंद्रमा पर जब रात हो जाती है तो कृष्ण पक्ष लग जाता है, और चंद्रमा पे जब दिन हो जाता है तो शुक्ल पक्ष लग जाता है। तो दोनों चंद्रमा पर भी है। सूर्य के पास में क्या है? बेहद तेज है, पर बेहद तेज के अंदर छोटे छोटे दाग हैं, वो कुमति है। इसीलिए सुमत कुमत उर सबके उर रही, सबके उर मतले हम सबके अंदर ही अच्छाई बुराइयां हैं कम ज्यादा। पर मेरे प्यारे बंधुओं, मैं समझाने का प्रयत्न ये कर रहा हूं कि स्वयं भगवान भी धरती पे आते हैं तो उन्हें भी इन दोनों से जूझना पड़ता है। कुमति भले ही कम हो सुमति ज्यादा हो, पर उनके अंदर भी ये दोनों का परामर्श होता है, स्थापना होती है। उसके बगैर शरीर बुद्धि ये सब मिक्स नहीं हो सकते। जड़ चेतन जग जीव जग
गोस्वामी जी फिर कहते हैं कि ये संसार भी ऐसा ही है, जो आपको बेहद चेतन दिख रहे हैं उनमें जड़ता भी है। है कोई कोई आदमी ना बहुत होशियार होता है, बहुत जल्दी समझता है, पर उस आदमी को भी कभी कभी कोई कोई बात समझ में आती नहीं है, वही तो जड़ता है। तो गोस्वामी कहते हैं जड़ चेतन सब जीव जग, सारे सृष्टि में जितने जीव हैं उनमें चेतनता भी है और जड़ता भी है। बंधुओं, जब जड़ता हम में आ जाती है तब हम कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा बोलिए, कार के अंदर टेप रिकॉर्ड चल रहा है, गाने चल रहे हैं, गाड़ी चल रही है, बाहर से आवाज आ रही है पीपो पीपो, गाड़ी भी कभी कभी अपनी हॉर्न देती है, ट्र पर कुछ भी करती होगी, पर ड्राइवर के बगल में साइड में जो आदमी बैठा है वो सो गया, उसके ऊपर न हॉर्न का असर हो रहा न टेप रिकॉर्ड का असर हो रहा। ये क्या है? चेतन व्यक्ति में जड़ता का प्रभाव दिख रहा है, जड़ता का प्रभाव, और उस जड़ता की वजह से उसका नुकसान कुछ नहीं हो रहा है, उस जड़ता की वजह से वो निर्द्वंद हो गया, उसे ट्रक का डर नहीं, उसे किसी का डर नहीं है, सो गया सो खो गया, उसका भय निकल गया। अब ऐसी स्थिति में एक्सीडेंट हो जाए कुछ हो जाए तो ये मर भले ही जाए पर इसका भय खत्म हो गया। जो आदमी गाड़ी में चेतन है उसे हर समय डर लगा रहता है, इसीलिए वो हॉर्न देता है, साइड लेता है, धीरे करता है, ब्रेक लेता है, डर के मारे वो सब करता रहता है। और जो जड़ता में चला जाता है वो निडर हो जाता है, उसे निश्चिंतपना जाता है महाराज। इसीलिए जड़ता भी चेतनता के साथ में जुड़ी हुई है, वो भी रहेगी सब में। जैसे जैसे व्यक्ति को सत्संग प्राप्त होता जाता है वैसे वैसे वो जड़ता मुक्त होता जाता है और वो चेतन होता जाता है। तो सत्संग के साथ में जो जड़ता खत्म होती है, चेतनता आती है, उसमें केवल एक ही परिणाम रह जाता है, दो परिणाम नहीं रह जाते उसमें। उसमें ये पॉजिटिव एनर्जी, उसमें ये सही बात हो जाती है कि आदमी सावधान चेतन जागृत भी रहता है और निडर भी रहता है, फिर उसे डर नहीं रहता है। एक आदमी जब जगता है तो डरता है, एक आदमी सो जाए तो नहीं डरता है, पर सत्संग अध्यात्म आत्मज्ञान होने से भी आदमी का डर समाप्त हो जाता है। आदमी जब प्योर चेतन हो जाए उसमें तनक मात्र भी जड़ता ना हो तो फिर उसका भय खत्म पूरी तरह हो जाता है, निश्चिंत उसमें कोई भी भय नहीं रहता है। वो संपूर्ण रूप से कृतार्थ हो जाता है। तो आज मैंने जो भी सुनाया उसके पीछे मेरा जो कहानी है, जो सोच है, वो ये है कि मैं भी आपके अंदर वही निडरता वही भाव देखना चाहता हूं, पर आत्मज्ञान के थ्रू सत्संग के थ्रू माध्यम से। सोकर के तो सबका डर चला ही जाता है, और वो डर जाना नहीं है, वो मर जाना है। मर के तो कोई डर है ही नहीं, चिता में धर दो आग लगा दो, कोई दर्द नहीं कोई पीड़ा नहीं, ऐसा ही सोकर है। पर ज्ञानवान होकर के जो डर जाता है वो डर वास्तव में ही चले जाने वाला डर होता है, और उसके लिए फिर वेद का एक मंत्र है। उस मंत्र में भी परमात्मा आज्ञा कर रहे हैं, अभयम् मित्रादभयम् मित्राजातादभयम् परोक्षात्। यह मंत्र भी यही सिद्ध कर रहा है कि भगवान भी यही चाहते हैं कि मेरा जो भक्त है, मेरा जो बालक है, वो कैसा होना चाहिए? निडर होना चाहिए, निडर। पर वो निडर होते समय मुझसे डरे दुश्मनी के रूप में नहीं, मुझसे डर के भी मित्रवत व्यवहार हो उसका। अभयम् मित्रा दभयम् मित्रा जाता दभयम् परोक्षात्। उसका डर उससे दूर चला जाए पर उसका जो भाव है वो मित्रवत होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे डरते हैं अपने गुरुजी से भगवान से कि दूर दूर रहेंगे दूर और सुधरेंगे बिल्कुल नहीं, सामने नहीं आएंगे, बस
आंखों से दूर, कि गुरुजी देख ना ले, सुन ना ले हमारी हरकत को। ये डर अच्छा नहीं है। ये डर कैसा है? ये है सोने वाला डर, सो गए खो गए, ये डर अच्छा नहीं है। डर कैसा चाहिए? दूर आत्मज्ञान से, मित्रवत, यानी कि हमारा संबंध प्रेम से भरा हो, निकट से निकट हो, और अंदर से डर पूरी तरह चला गया हो, मित्रवत व्यवहार हो, परोक्षात हमसे परे चला जाए, सब कुछ द्वंद्व हमारा खत्म हो जाए, ऐसा मनोहर ज्ञान, चेतनता, पूर्ण चेतनता हमारे अंदर आए। तो कैसे आती है वो चेतनता? आती है राम की कृपा से, उनके चरणों से। भरत जी को राम जी ने अपने चरण दे दिए और अयोध्या में मंथरा के पास भेज दिया, और मंथरा के पास में आकर मंथरा फिर भरत के पास नहीं आ रही है, देख लो। और मंथरा भी वहीं और भरत भी, मंथरा को देश निकाला नहीं हुआ, मंथरा को कोई सजा नहीं मिली है, मंथरा वहीं रह रही है। भरत जी आ गए पर मंथरा भरत के पास नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है बताओ, क्या हो गया? राम के चरण भरत के साथ हो गए। इसीलिए आपको भी ये कथा सिखा रहे हैं, आपको भी बता रहे हैं। आपको ये बातें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपको भी इस तरह की कुछ अकल आनी चाहिए। गुरु पद रज नख, गुरु के चरण, गुरु के पग नख या उनकी रज हमारे हृदय में, हमारे माथे पर रहे तो फिर कुमती हमारे निकट आती नहीं है। संग रहकर भी वो हमारे ऊपर हो भी नहीं होती, दूर रहती है। तो कुमति सुमति सबके उर रहे ही। ऐसे ही जन्म और मृत्यु सब जीव के साथ जुड़ी है। यहां पर भी ऐसी कथा है, जन्म और मृत्यु सबके साथ जुड़ी है, पर कबीर जी क्या कहते हैं? कबीर जी कहते हैं कि जो खीली से लग रहे उनको कालन खाए, चलती चक्की देख कर, चलती चक्की देख कर और गए कबीर ठड़ियाए, जो खीली से लग रहे उनको कालन खाए। परमात्मा रूपी कील से, चक्की को घुमाने वाली कील से जो दाना लग जाता है उसे कोई काल यानी पीस नहीं सकता। ऐसे ही भगवत चरणों से जो व्यक्ति लग गया है उसकी सेवा में, उसे मंत्रा जैसी कुमती भी परेशान फिर करती नहीं है। तो हमें क्या चाहिए भाई? बुराई से बचने के लिए, कुपुत्र कुबचारों से बचने के लिए, कुबुद्धि से बचने के लिए, रावण जैसे संग से बचने के लिए, मोबाइल पर फोन पे मैसेज पे जो हमें जगह जगह के बता रहे हैं किसी की बुराई किसी की अच्छाई, ऐसे लोगों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? या तो अपने गुरुदेव के चरणों में पूरा का पूरा माथा टेक दो, भगवान राम के चरणों में टेक दो, गणेश के चरणों में टेक दो। जब हमारा माथा उनके चरणों में चला जाता है तो माथे में कुमती टिकती नहीं है, फिर दुष्ट जनों की बात हमें नहीं भाती। और अगर हमारा माथा नहीं है गुरुदेव के चरणों में, राम के चरणों में, तो फिर दुष्टों की बात हमें इतनी भाती है कि फिर हम खुद ही उन्हें पूछते रहते फोन लगा लगा के, भाई और कुछ नया समाचार, कुछ और बात बताओ, कुछ और बताओ, कुछ और बताओ, खराब और खराब। ये है कुमती का और सुमति का चक्कर। आज आपने क्या सीखा व्याख्यान के माध्यम से? आज आपने शायद ये सीखा कि राम जहां रहते हैं वहीं कुमती सुमति रहते, भरत और मंथरा। राम चले गए तो सुमति को बुला लिया और अपने चरण पादुका दे दिए भरत को, भरत चरण पादुका लेकर अयोध्या में आकर स्थापित कर दिए और उनके दास बन के पादुका के नीचे बैठ गए। पादुका को इतना ऊंचा आसन दिया कि भरत का सिर पादुका के ऊपर ना चला जाए, ऊपर पादुका और नीचे उनका माथा रहे।
इतने ऊंचे भगवान को बिठाया, उसकी वजह से मंथरा निकट नहीं पधारी, कुमति नहीं आई। और कुमति नहीं आई तो कुसंग नहीं आता, कुसंग नहीं आता कुकर्म नहीं आता, कुकर्म नहीं आता तो कल पुरुष नहीं आता, कल पुरुष नहीं आता तो नाश नहीं आता। कलयुग में भी वही सताए जा रहे हैं जिनको कुमति पैदा हो जाती है, और वो सबको हो सकती है, थोड़े दिन, चार दिन, दस दिन, एक दिन। उससे तो बचने का एक ही उपाय है कि भगवत चरण, ईश्वरीय चरण, सतगुरु चरण है, ये ही चरण ऐसे हैं कि इनमें बैठ के कुमति फिर हमारे निकट नहीं आती बंधुओं। और ये सच बात है, आप अग्नि जला के जंगल में बैठ जाओ फिर शेर आपके पास आ सकता नहीं है। है शेर किसी चीज से डरता नहीं है सिवाय अग्नि के। शेर अग्नि से डरता है, अगर अग्नि आपके पास में है तो शेर नहीं आएगा आपके पास। शेर नहीं आएगा मतलब मौत, दुख नहीं आएगा। अग्नि में क्या गुण है? अग्नि में जलाने का गुण तो है ही, पर अग्नि में प्रकाश का भी गुण है, अंधकार मिटाती है अग्नि में, ये परम गुण है हमारा। ऐसे ही सदगुरु के चरण रज, भगवान के चरणों की रज क्या है? वो यही है, वो हमारे पास उस दुष्ट को, भूखे शेर को आने नहीं देते। भूखा शेर डर के भाग जाता है अग्नि से, ऐसे ही सदगुरु के चरणों का दास कोई शिष्य भक्त, राम भगवान के चरणों का दास भक्त, उसको देख के भी दुर्जन दूर दूर भाग जाते हैं। किसी दुष्ट को यह पता चल जाए कि मेरी चुगली चाटी का उन पे असर नहीं होगा, वो तो उनके परम भक्त हैं, तो वो वहां पे ज्यादा कोशिश नहीं करेगा भड़काने की, चटकाने की बातों को। और जहां उसे ये लगेगा कि ये भ्रमित भक्त हैं, भटके हुए भक्त हैं, वहां वो बहुत कोशिश करेगा, बार बार करेगा। आपके जीवन में खलबली, दुख, दर्द, क्लेश हमेशा पैदा होते रहेंगे। किसकी वजह से? कुमति की वजह से, उसके संग की वजह से। इसीलिए प्यारे भक्तों, बंधुओं, आज के व्याख्यान का श्रेय यही है कि कुमति उमति दोनों हमारे पास रहें, पर राम जी के संग ये रहती हैं। एक दिन राम कुमति के कारण अयोध्या छोड़ जाते हैं, ऐसा आपके लाइफ में ना हो कि आपके हृदय रूपी अयोध्या को राम कुमति के कारण छोड़ के चले जाएं। इसीलिए कोशिश यही करो कि सुमति रूपी, संत रूपी, सत रूपी, सरलता रूपी आपका जीवन, आपका विचार राम जी के चरणों का दास बना रहे, जिससे पुनः वो कुमति आपके निकट न आए। ये बहुत ही जरूरी है, इसके बगैर जीवन हमारा सुदृढ़ नहीं रहता है। क्यों? गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मुझे को
जी ने वेद व्यास जी को जो अनंत कथाएं सुनाई गणेश पुराण की,
आज महर्षि भृगु राजा सोमकांत को गणेश जी के अनंत अनेक नामों का वृतांत कह रहे हैं। श्री राधा रमण भगवान की जय हो। श्री गणेश भगवान की जय हो। भगवान श्री गणेश के मोहतकट नाम का कथन भृगु ऋषि ने सुनाया राजा सोमकांत को। और ये ऐसी कथा है कि मुझे लगता है कि आपने ये कभी नहीं सुना है भगवान गणेश के बारे में। मोहतकट भगवान गणेश किनके घर में भगवान मोहतकट का जन्म हुआ, तो आज तक हम गणेश को, आप सब लोग ईमानदारी से बोलो कि आज तक गणेश को केवल आप किसके घर में जन्मा हुआ मानते हैं? गौरी के घर। और आज भगवान श्री गणेश ने मोहतकट के नाम से अवतार जो लिया है वो अद्भुत अवतार है। कहां पर यह अवतार हुआ? महर्षि कश्यप के यहां हुआ। महर्षि कश्यप और अदिति माता, आप सब जानते हैं कि वो देवताओं की माता है। तो देवों में अग्र पूजक कौन है? गणेश। गौरा ने गणेश जी को जन्म दिया है, तो वही गणेश अदिति के यहां पर भी प्रकट हुए मोहतकट के नाम से। माता अदिति के मन में आज अचानक ऐसा बेग पैदा हुआ, चंचलता पैदा हुई कि मैंने अनेक महापुरुषों को, अनेक दिव्य देवताओं को जन्म दिया है, तो मैं क्यों ना, भैया इसकी आवाज बढ़ गई, आवाज बढ़ रही, आवाज आ रही है भैया, साउंड आ रहा है यहां तक? महर्षि कश्यप के पास गई और उस समय महर्षि कश्यप यज्ञ आदि कर्म कर रहे थे, तब अदिति माता ने अपने हृदय की जो बात है वो पति को बताई। महर्षि कश्यप ने कहा, देवी तुम्हारे हृदय में अच्छी बात का जन्म हुआ है, तुम्हें स्वप्न जो आया है, तुमने जो भी सपना देखा है, वो सपना अगर साकार हो जाए तो जगत का कल्याण होगा। तो उस सपने को साकार करने के लिए तुम उन्हीं गजानन को भजो, उनका ध्यान करो। तो महर्षि कश्यप के आदेश के अनुसार अदिति माता ने भगवान गणराज, भगवान गणेश का ध्यान किया और ध्यान से गणेश भगवान जब प्रसन्न हुए तो अदिति से उन्होंने वरदान के लिए कहा। तो अदिति माता ने वरदान के रूप में गणेश जी को ही पुत्र के रूप में मांगा।
कि आप मेरे यहां, मैंने पुत्र के रूप में आपका राज सपने में दर्शन किया और वही मेरी उत्कंठा भी पैदा हो गई है कि आप मेरे पुत्र बन के आओ। तो भगवान गणेश जिस रूप में पैदा होकर आए, अदिति माता ने जब देखा और गणेश जी ने पूछा तो अदिति कहती है कि ये जो आपका जो ये रूप है, मुझे इस रूप में आप नहीं चाहिए। आप अपने जो अवयव हैं ये सब हटाओ, मुझे ममता से आपको पालना है, आपको खिलाना है, आपको बड़ा करना है और मुझे आपकी मां बनकर के आपको देखना है। भक्त बनकर तो मैंने देख लिया और पा लिया, अब मुझे आपकी मां बनकर के और आपको पुत्र के रूप में देखना है। तो अदिति माता की इच्छा को भगवान जानते थे कि इनकी जो इच्छा है ये जगत कल्याण के लिए है। जगत कल्याण की भावना से अदिति माता ने जो भी व्रत तप किए गणेश भगवान के, आज गणेश भगवान ने अपना रूप दर्शन देकर के उनकी इच्छा पूरी करते हुए आज उनके घर में बालक रूप में अवतरण धारण कर लिया, जन्म ले लिया। और जन्म लेते ही सारे देवता वहां पहुंच गए उत्सव मनाने के लिए। कोई भी देवता ऐसा नहीं था जो न पहुंचा हो, सब पहुंचे और सब देवताओं ने गणेश की महिमा को तो जाना हुआ ही था। महर्षि कश्यप ने सब देवताओं को यह संदेश दे दिया था कि अदिति की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं गणराज हमारे यहां प्रकट हुए और वो गणराज हमारे यहां जो प्रकट हुए हैं वो मोहित कट रूप के नाम से उनका अवतरण हुआ है। यानी कि माता अदिति की ममता के कारण, मोह के कारण जिनका अवतार हुआ, इसलिए उनका ये नाम है मोहित कट श्री गणेश। सारे देवी देवता आए, सबने बधाई का आनंद लिया, बधाई दी। धीरे धीरे गणेश बड़े हो रहे हैं, माता अदिति पाल रही हैं, पोष रही हैं। राजा सोमकांत को कहा भृगु ऋषि ने, देखो राजन, आज माता जो अदिति है वो सरोवर में स्नान करने के लिए चली गई और पीछे से श्री मोहतकट राजा भगवान गणेश भी अपनी मां के पीछे पीछे चले गए। मां सरोवर में स्नान करने लगी तो सीढ़ियों पर बैठे चले गए, मां ने देखा ही नहीं कि बेटा आया होगा, बेटा तो घर छोड़ा है। पीछे से चले गए कड़र कड़र के घुटनों के बल, और जैसे मां नहाने लगी सरोवर में तो बालक मोहितकट गणेश भी अपनी मां के पास जाना चाहते थे, इसीलिए वो पानी में उतर गए और डूब गए। पानी में डूबे तो उनको मगरमच्छ ने पकड़ लिया और जब मगर ने पकड़ा, माता पार्वती को उछल कूद दिखाई पड़ी तो मगर ने झपट्टा मारा तो माता अदिति को पता चला, तो अदिति ने देखा कि मेरा ये बालक है और मगर ने पकड़ लिया। अब अदिति जो है चिल्लाए चीखे, अरे कोई बचाओ मेरे पुत्र को, मगर ने पकड़ लिया, मगर ने पकड़ लिया। अदिति माता ने मां होने के नाते घबरा गई, रोने लगी, चिल्लाने लगी तो अदिति माता ने देखा कि एक दिव्य विराट स्वरूप प्रकट हुआ उस बालक का और उस विराट स्वरूप के कारण, उस विराट स्वरूप की शक्ति के कारण, उस शक्ति के हाथों से मगर का वध हो गया, मगर मारा गया। यानी कि मोहितकट भगवान गणेश ने मगर को सरोवर में ही मार डाला
और जब सरोवर में मगर को मार डाला तो उस मगर की मृत्यु के बाद वहां एक और सुंदर पुरुष का प्राकट हो गया। तदुर्वम नलक्ष प्रवर्ती वेद वीणा विसारद। जैसे ही उस मगर में से एक आदमी का प्राकट हुआ, उसके हाथ में अचानक वीणा आ गई और वो वेद की श्रुतियां गाने लग गया। माता अदिति को बड़ा अचंभा हुआ कि मगर से छोटा बालक कैसे बच सकता है, और वो बचा तो एक दिव्य शक्ति का प्राकट हुआ, उसने बचाया। यानी कि माता अदिति कहती है कि मेरे बालक को गणेश जी ने बचाया। माँ जो है भ्रमित हो गई है, माँ भ्रम में पड़ गई। गणेश जी ने पुत्र के रूप में अवतार लिया है, माँ को बता के लिया है, माँ को दिखा के लिया है, पर माँ जो है इतनी ममता मोह में फंस गई कि उसे यही पता नहीं था कि ये मेरा बालक है कि गणेश है। वो बालक के भाव में गणेश को भूल गई, और आवश्यकता पड़ने पर गणेश का अवतार गणेश तो गणेश ही है, उन्होंने अपनी शक्ति का प्रकट कर दिया और मगर को समाप्त किया। मगर में से जो पुरुष निकला उससे अदिति ने पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारे मगर के बाद में ये अवतार तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम कौन हो तो ये बताओ। तो उसने कहा, हे माता अदिति, मैं महर्षि भृगु के श्राप से मगर की योनि में चला गया। मेरा नाम चित्रगत गंधर्व है। मेरे गीत से अप्रसन्न होकर के भृगु ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया था, और जब मैं श्राप को सुन के बेहद पीड़ित हो गया तो भृगु ऋषि ने फिर कहा था कि माता अदिति के गर्भ से भगवान गणेश मोहित कट के रूप में अवतार लेंगे, और जिस सरोवर में तू होगा वहीं माता अदिति स्नान को जब जाएंगी तो भगवान गणेश के हाथों तेरा उद्धार होगा, फिर से तू गंधर्व बन जाएगा। इसलिए हे माँ अदिति, मैं गंधर्व राज चित्रांगद हूं। आज महर्षि भृगु का जो श्राप है वो आपके पुत्र के कारण मेरा निपट गया, समाप्त तो हो गया। तो ये कथा आपको जो ज्ञान दे रही है वो ज्ञान ये है कि कोई भी श्राप कभी किसी साधु संत महात्मा माता पिता का हमें रहता है। सदैव माता आशीर्वाद नहीं देती, सदैव महात्मा संत आशीर्वाद नहीं, सदैव गुरु भी संत आशीर्वाद नहीं, जीवन में वो कभी कभार श्राप भी देते। तो वो जो श्राप उन्होंने दिया, क्रोध बस कुछ भी तुम्हें कह दिया है, वो झूठ नहीं होगा, वो भी सत होगा। चाहे क्रोध बस ही श्राप दिया गया हो और चाहे तुम्हें कुछ कह दिया हो, वो झूठ नहीं होगा, वो तुम्हारे साथ ही लिपटा रहेगा। पर ऐसे श्रापों से मुक्त होने के लिए ऐसे ही संत महापुरुषों का स्पर्श करने से ऐसे श्रापों का नाश हो जाता है और हम पुनरागति कर लेते हैं।